Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Siddhant. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप के बारे में, ठीक है? तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया पेंट में कैसे काम करते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइल कैसे बनाते हैं, उसकी डिलीट करना, मॉडिफाई करना, रीनेम करना, उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि फोल्डर्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में, है ना? तो कैसे रीनेम करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेस्कटॉप के बारे में। तो डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप मतलब जब भी हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों का जो पहला वाला स्क्रीन आता है, ये जो पहला वाला पेज आया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, ठीक है? तो इस वाले स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। यहाँ पे ये जो हम लोग का पिक्चर लगा हुआ है, ये जो सन है, रिवर्स है, माउंटेन वगैरह, ये वाला जो पिक्चर है, तो ये हम लोग ने कैसे लाया, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे दूसरा एक पिक्चर ला सकते हैं, तो वो सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम ये जो भी पिक्चर हम लोगों ने डेस्कटॉप में हम लोगों ने सेट करके रखा हुआ है, इसके जगह पे मुझे कुछ दूसरा ही पिक्चर सेट करना है, ठीक है? तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैंने बोला कि यार मेरा ये लैपटॉप है, मैं इसकी जगह पे दूसरा ही कोई पिक्चर में सेट कर लूँगा, ओके? तो उसके लिए क्या करना है आपको? आपको पहले तो आपको कुछ पिक्चर डाउनलोड करना है, या तो आपके पास कंप्यूटर में आपका पड़ा हुआ है, या तो मैं नया डाउनलोड करूँगा। तो मैं जाऊँगा ब्राउजर में, जाऊँगा मैं जाकर ये गूगल ओपन करूँगा, है ना? तो गूगल में जाकर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला टैप ऊपर आ गया, ओके, नया ब्राउजर ऊपर आया, ये गूगल आ गया। यहाँ पे क्या करना है मुझे? बैकग्राउंड पिक्चर्स और कंप्यूटर कर सकता हूँ, ठीक है, या लैपटॉप जो भी है अपना जो भी है वो कर सकते हो। अब आपने बोला कि यार मुझे ये वाला नहीं, मुझे क्या पसंद आ रहा है, मुझे ये वाला पिक्चर पसंद आ रहा है, तो इसको क्लिक किया आपने, ओके। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे सेवेज है, सेवेज में आप क्लिक करोगे तो आपका होगा इसका ये क्या बोलते हैं एक्सटेंशन है .jpg, ओके। तो .jpg ही करना या .gmp करना, .png करना, क्योंकि हर कोई पिक्चर बैकग्राउंड के लिए सेट नहीं कर सकते हम लोग। तो मैंने बोला new bg न्यू बैकग्राउंड और मैंने सेव कर दिया। तो मैं वो डायरेक्टरी में जाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे new bg, ओके, ठीक है? तो ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो new bg बिल्कुल आ जाए, इसमें क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके मैं देखता हूँ कि यही आ रहा है कि नहीं, मैंने जो भी डाउनलोड किया था, ओके, ये आ गया, ओके। तो आपको जब भी बैकग्राउंड सिलेक्ट वो करना है, जैसे ये वाला मुझे बड़ा करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो फीचर बड़ा हो रहा है, अब यहाँ पे राइट क्लिक कर सकता हूँ, राइट क्लिक कर सेट एज जाकर सेट एज बैकग्राउंड कर सकता हूँ, ओके। सेट एज बैकग्राउंड करूँगा तभी वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो हमारा डिस्कस, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से वहाँ पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे जाऊँगा, फिर डेस्कटॉप में चला जाऊँगा मैं, ओके। फिर मैं मैनेज करूँ और डेस्कटॉप में चला गया, डेस्कटॉप में जाकर मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर पर्सनलाइज में क्लिक किया मैंने, ओके। पर्सनलाइज में क्लिक करके मैं बैकग्राउंड में क्लिक किया मैंने, ओके। बैकग्राउंड में ब्राउज फोटो में जाऊँगा, ये देखो चूज ए फोटो, ठीक है? तो इसमें ये ब्राउज फोटो मतलब हम लोगों का जो कि ड्राइव के अंदर में कोई है वहाँ पे फोटो है वहाँ पे निकल जाए, जैसे हम लोग डाउनलोड्स के अंदर में क्लिक किया, तो ये डाउनलोड्स के अंदर हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया था, ये देखो। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ये चूज पिक्चर किया, ठीक है? तो ये क्या करेगा आप,
ये अब क्या करेगा, ये देखो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का अभी जो भी बैकग्राउंड है तो सब जो भी पिक्चर है चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए आपको फिर दूसरा चेंज करना है, आपके सेटिंग्स में जाओ, फिर पर्सनलाइज में जाओ। तो मुझे नहीं ये वाला पसंद है, अभी मैं जो पहले था ना ये आप क्लिक कर दो बस, ये देखा यहाँ पे देखा ये चेंज हो गया, मतलब तो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जाकर देख लो आप एक बार, ये देखो चेंज हो गया। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी आप पिक्चर को भी ओपन करोगे ना तो उस समय भी आप सेट कर सकते हो, जैसे ये वाला पिक्चर मैंने अभी ओपन किया है ना, ये न्यू बीजी डॉट जेपीजी वाला जो भी पिक्चर है उसको मैंने ओपन किया। कहाँ से ओपन किया मैंने, चलो मैं दिखाता हूँ, ये क्लोज किया, मैं फिर गया डाउनलोड्स में गया, ये वाला इसको मैं डबल क्लिक किया। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, और मैं इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सेट एज, ये मैं करूँगा फिर सेट एज बैकग्राउंड। अब ये जाओ डेस्कटॉप में जाओ, चेक कर लो, ये ठीक है। तो ये समझ आ गया, तो इसी तरह से भी हम लोग जो हम लोग पिक्चर है उसको राइट क्लिक कर कर भी हम लोग बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं डेस्कटॉप में। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो ब्राउज फोटोज के थ्रू भी जाकर भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो भी रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं उसमें जाकर भी आप क्लिक कर कर चेंज कर सकते हो। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें तो यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला चेंज, ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला जैसा था उसे चेंज कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप में। ओके, ठीक है। तो ये वाला एक हमारा जो भी हम लोग को जानना था, ये एक है। दूसरा, हम लोगों को कुछ नया नया क्वेश्चन आया था कि जब भी हम लोग डिलीट करते हैं ना, तो जैसे मेरे पास ये न्यू फोल्डर है, या फिर मैंने क्या किया, या अभी मैंने जो भी किया था, जैसे मैं अभी मैंने कहाँ पे किया था, डाउनलोड्स में किया था ना, तो ये देखो ये फाइल्स है, ये फाइल मैंने क्रिएट किया था। तो ये वाला को जब हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, तो डिलीट वाला डेस्कटॉप में जो भी डिलीट बटन, जो भी हमारा कीबोर्ड में डिलीट बटन है उसको क्लिक करोगे, या तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, सो मोर ऑप्शन में जाकर आप क्या करोगे, इसको डिलीट में क्लिक करोगे, ये डिलीट करोगे तो कहाँ जाएगा ये नॉट लाइब्रेरी। तो हम लोगों को पूछा गया कि ये कहाँ जाता है, जब भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है हम लोगों का कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन, ये देखा रिसाइकल बिन बोलकर एक जगह है वहाँ पे जाता है। ओके, तो यहाँ से लिखा गया है कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू हैव क्या डिलीटेड। ओके, तो आपने जो भी डिलीट किया है, जो भी डायरेक्टरी के जो भी फोल्डर से कहीं पर भी कंप्यूटर में जब भी डिलीट करते हो तो वो सारा आकर कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन में। तो इसको डबल क्लिक करो, और देखना यहाँ पे कितने सारे होंगे, मेरे पास तो बहुत सारे होंगे क्योंकि मैंने बहुत दिन से डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या देखना था, अभी मैंने कौन सा डिलीट किया था वही देखना था ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, डेट डिलीट है कौन सा डेट है मैं सर्च कर रहा हूँ, डेट डिलीट ये पहला होगा, इसको क्लिक किया ना तो आपको ये अरेंज होकर आएगा कौन सा डेट पहले आज का है ना, तो ये होगा, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही आपको आ जाएगा, मेरे बहुत सारा मैंने डिलीट किया। तो इस वाले देखो, ये देखा, और अब यहाँ पे डबल क्लिक करो तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ये रिस्टोर करना पड़ेगा, आपको ओपन होने नहीं देगा ये, पहले आपको क्या आप करोगे ना, तो यहाँ पे आप करोगे तो राइट क्लिक भी करोगे तो या तो यहाँ से डिलीट करने देगा, या तो अब यहाँ से भी आप डिलीट करोगे ना तो कंप्यूटर में नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट फिर से डिलीट करते हो तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ से भी जब डिलीट करोगे तो आप वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, जैसे ये कंप्यूटर डिलीट किया। Are you sure you want to permanently delete this file? मतलब ये permanently delete हो जाएगा, और यहाँ से
अभी डिलीट बोलकर यस बोलकर क्लिक करोगे तो ये अब लैपटॉप में कहीं कभी नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, जब हम यहाँ से ही डायरेक्ट या किसी से भी, जैसे मैंने डाउनलोड से यहाँ पे डिलीट किया तो वो कहाँ पे आ गया, वो रिसाइकल बिन में आ गया, है ना, ये रिसाइकल बिन में आ गया। लेकिन अब यहाँ से मैं से यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ये कंप्यूटर में नहीं रहेगा। ओके, तो ये वाला अब हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसे परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहिए, तो मैं ये यहाँ पे क्या है, ये जो भी है ना, तो इसको आप रीस्टोर कर सकते हो। आप डबल क्लिक भी करोगे ना तो ये क्या बोलेगा, आपको रीस्टोर करना है बोलेगा। ओके, तो आप ओपन नहीं कर सकते रिसाइकल बिन में, आप फाइल को या फोल्डर को आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको क्या करना है कि रिस्टोर करना है, रिस्टोर मतलब फिर बैक होकर चला जाएगा, या तो आप कट कर सकते हो, यहाँ से कट हो जाएगा मूव करेंगे, या तो परमानेंट डिलीट कर सकते हो, या तो आप रिस्टोर जब करूँगा तो रिस्टोर कहाँ पे जाएगा, ओरिजिनल लोकेशन, ये कहाँ पे जाएगा, ये ओरिजिनल लोकेशन कहाँ से आया था, सी यूजर मेरा जो भी है डाउनलोड जो था ना, ये वाला था ना ओरिजिनल लोकेशन, तो इसको इसमें ये चला जाएगा रीस्टोर, मतलब जहाँ से आया था वहाँ पे चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ से रीस्टोर करता हूँ, देखा अब यहाँ पे नहीं है, अब कहाँ पे आएगा, अब जो डाउनलोड वाला है उसमें ये ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिल करो, डिलीट करो, हेड क्लिक करो, सो मोर ऑप्शंस, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब इसको ये डिलीट, तो इस वाले डिलीट में क्लिक किया, यहाँ से टाइप हो गया ना, यहाँ से चला गया। अब आप रिसाइकल बिन में आ जाओ, ये रिसाइकल बिन फिर मैं ये डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, तो इसमें रिसाइकल बिन में आपने डाउनलोड किया है, ये देखा न्यू बीजी पे आ गया। अब इसको आप बोलोगे मुझे देखना है, आप नहीं देख पाओगे, आप क्या बोलेगा ये कंप्यूटर, आप पहले रिस्टोर कर लो, आप जहाँ से आए थे वहाँ पे चले जाओ, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अभी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ से रिस्टोर करता हूँ, ओके, तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये गायब हो गया, मैंने ये कर दिया, ऐसे चला गया। अब कहाँ जाएगा वो, डाउनलोड वाले में जाएगा, डाउनलोड वाले से मैं क्या कर रहा हूँ, ये न्यू वीजी, इसको मैं डाउनलोड की, अब मैं जो रिस्टोर नहीं आएगा मैं उत्तर को ओपन करके देख सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डेस्कटॉप में कैसे पिक्चर को चेंज कर सकते हो वो देखा, कैसे नया नया पिक्चर कहीं इंटरनेट से लाकर हम लोग सेट कर सकते हो उसके बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने जो भी फाइल डिलीट वगैरह करते हैं या जो भी फोल्डर डिलीट करते हैं, जैसे मैं ये फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, तो मैंने बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब फिर रिसाइकल बिन में जाओ, रिसाइकल बिन को बड़ा करो, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया ही फोल्डर, ठीक है। अब इसको आपको देखना है, नहीं कर पाओगे अब रिस्टोर करोगे तो यहाँ से ये फोल्डर भी चला जाएगा, तो फाइल में जैसे था ना उसे ही सेम है। अब इसको क्लोज कर लो, अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये न्यू फोल्डर इधर अलग, हाँ ठीक है। तो इसको आप और फिर से नहीं, मुझे डिलीट करना है, आप क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या बोला, डिलीटिंग एंड ऑनलाइन वाला कारण है, ये ऑनलाइन अनलिस्ट फोल्डर है, तो ये आगे के लिए मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग फोल्डर्स और फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, जो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, रिसाइकल बिन से मुझे ओ मैंने गलती से कर लिया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आता है वो फोल्डर्स या फाइल्स क्या है, ये जो भी ड्राइव वगैरह है ना, वहाँ पे जहाँ पे आपने फोल्डर वगैरह बनाया था, फाइल्स बनाया था, या जो डाउनलोड वगैरह में है, या जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब फोल्डर्स में पड़े हुए हैं,
तो वो सारे रिलीज होकर यहाँ पे आ गए रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन से आप क्या कर सकते हो, आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। नहीं, आपने बोला कि ये वीडियो मुझे देखना है, तो आप क्या करोगे इसको, ये आपको पहले रिस्टोर करना पड़ेगा। कहाँ पे जाएगा, आप ओरिजिनल लोकेशन जहाँ से ही आया था वहाँ पे जाएगा, उसके बाद ही आप जाकर ओपन कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना यार, क्योंकि हम लोग और भी कुछ वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हेलो, बाय, टेक केयर।